स्वर्गीय कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि आज, 9 फीट की प्रतिमा का अनावरण। किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, मिलेगी पूरी बिजली। कानपुर हिंसा के गुनाहगारों पर बड़े एक्शन की तैयारी, फरार आरोपियों पर होगी कुर्की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के दौरा जारी, रात में नहीं कर सकेंगे यात्रा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,539 नए मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। स्वर्गीय पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि आज है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सीएम योगी ने 9 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि राजधानी लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में प्रतिमा लगाई गई है। कल्याण सिंह को सीएम योगी ने नमन किया। इस दौरान सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। खबर गाजीपुर से, जहां बीएसपी सांसद अफजल अंसारी को एक पुराने मामले में गैंगस्टर कोर्ट के जाहिर किया गया है, जिसके बाद उन्होंने इस केस का मूल मुकदमा खत्म हो चुका है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, साथ ही आगामी चुनाव में इसका जवाब देने की बात भी कही। अकूत संपत्ति होगी कि 50 मशीन मंगाई जाएगी तब गिनती हो पाएगा धन। अब कितना मिला और कितना गिनती हुआ हम क्या बताएं, उन्हीं से पूछ लीजिए। सोने की सिल्ली मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे, दुनिया में जो खलीफा बुर्ज है टावर दुबई में, शायद उसमें भी इनके फ्लोर मिलेंगे। अब जो जांच करने वाला देश की सबसे मजबूत एजेंसी है, उसको तो एक पेन भी नाजायज नहीं मिली कि वो उंगली उठा के कहे कि ये क्या है। खबर हरदोई से, जहां गोपामोह विधायक राम प्रकाश ने मनरेगा योजना को लेकर असंतुष्टि जाहिर की है और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। विधायक श्यामल प्रकाश ने लिखा कि मनरेगा फेल होने के प्रमुख कारणों में से कुछ महीनों में भुगतान ना होना है। इसके अलावा ब्लॉक के कर्मचारियों व अधिकारियों भी इस रिश्वत लेते हुए दिखाई दिए। खबर यूपी के हरदोई जिले से, जहां दबंगों से परेशान 12 परिवारों के गांव से पलायन की चेतावनी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गाँव में शांति भंग करने पर चालान भी किया। ये हरपालपुर का एक ग्राम है चतरखा, यहाँ पे पूर्व प्रधान शिव कुमार शुक्ला है और ये प्रधानी का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। वर्तमान में आलोक सिंह प्रधान है और ये जो है कुछ मामला तो वही है, पहले का ही प्रधानी का ही। वर्तमान में छोटा मोटा विवाद हुआ था इस बात को लेकर, कुछ ठाकुर पक्ष से और ब्राह्मणों पक्ष में पथराव हुआ था, जिसमें अभियोग दोनों पक्षों से पंजीकृत किया गया था और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी कुल 12 लोगों के खिलाफ की गई थी। जहाँ तक पलायन की बात है, ये पूरी तरह से गलत है। सब लोग मौजूद हैं, मौके पे हम लोग भी आए हैं, पुलिस पिकेट पहले से लगी थी।
खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां 3 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ता शराबी के अपहरण करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर पहचान कर अपहरणकर्ता और मासूम की खोज कर ली है। खबर सुल्तानपुर से, जहां तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी का मामला सामने आया था, जिसके बाद भड़के दबंगों ने पूर्व प्रधान व पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद चारों तरफ भगदड़ मच गई, जिसके बाद पूर्व प्रधान ने घटना की सूचना तत्काल चौकी इंचार्ज को दी। वहीं चौकी इंचार्ज ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की, साथ ही आरोपियों पर उचित कार्रवाई की बात भी कही। कल वही शाम लगभग 7:45 बजे 7:45 मिनट की घटना है। हम लोग अपने ढाबे पर बैठे हुए थे और गांव के आशीष दुबे, सुमित दुबे और एक अमन दुबे आरिफ और एक कुलदीप सिंह जो है, ये इतने ये लोग जिसको जानते हैं, लगभग 10-12 लोग जाते थे। होटल पे आए, बच्चों से थोड़ा अपना झगड़ा झंझट करने लगे, जब तक कुछ समझ पाते हम लोग जब निकले तो उतने में वो लोग जो है फायरिंग करते हुए जो है भाग निकले। आपको बता दें कि खबर ये जो सुल्तानपुर से आई, जहां तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी का मामला सामने आ गया, जिसके बाद दोनों पक्ष भड़के दबंगों ने पूर्व प्रधान पर पिस्टल तान दी, ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद चारों तरफ भगदड़ मच गई। पूर्व प्रधान ने घटना की सूचना तत्काल चौकी इंचार्ज को दी। वहीं चौकी इंचार्ज ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की, साथ ही आरोपियों पर उचित कार्रवाई की बात भी कही। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष, क्या पूरा मामला है ये? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं, ये कुछ दिन पहले आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी के दौरान जो है कुछ आपसी में जो है नोकझोंक की हुई थी बात, और उसी को लेकर जो है परसों की रात में ही ये फायरिंग का एक मामला आ गया। इसमें मारपीट का भी आ गया, मुकदमा भी हो गया, सॉरी मुकदमा भी लिखा जा रहा है। और परिजन के मुताबिक अगर माना जाए तो इसमें कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही मुकदमा हुआ है। प्रशासन की तरफ से जो है कार्रवाई की जो है पूरी की जा रही है। प्रशासन का भी कहना हो रहा है इसमें मुकदमा लिख उठा है। जी आशुतोष, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर गोरखपुर से है, जहां एक युवक के दिन दहाड़े एक दंपत्ति को गोली मारने की घटना सामने आई है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल दंपत्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस युवक से मामले की पूछताछ कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मणि शेखर है। मैं यहाँ CACP प्राइज पे चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हमारे यहाँ करीब 3:25 पे एम्बुलेंस से 108 एम्बुलेंस से मतलब 2 मरीज आए। एक का नाम था प्रदीप यादव और एक का उसकी वाइफ थी रीता यादव। दोनों को गोली लगी थी ना, तो दोनों का मतलब हमने ट्रीटमेंट कर दिया, प्राथमिक उपचार कर दिया और पट्टी करके सारे ट्रीटमेंट करके उन्हें हमने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तीसरा व्यक्ति आया था जिसको गाँव वालों ने, उसकी भी चोट थी एक्चुअली गोली, जैसे हमें पता चला है कि गोली शायद उसने चलाई थी। थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में गोपाल यादव और उनकी पत्नी रीता यादव के ऊपर एक सिद्धार्थ सिंह नामक व्यक्ति ने फायरिंग किया है, जिसको मौके से ही हिरासत में लिया गया। उसके पास से जो तमंचा प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया, वो जो जिस कार से वो आया था वो कार भी बरामद की गई है। अभी तीनों लोगों को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है बेहतर देखरेख के लिए। सभी की स्थिति स्थिर है और शेष अभी तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी अगर आवश्यक होगी तहरीर में आएगा तो की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही 2 और बदमाशों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही हुई चोरी में 3 बदमाश शामिल थे, साथ ही उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया। फिलहाल 3 बदमाशों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजने का काम किया जा रहा है।
पैलानी रोड पर पपरेदा चौकी अंतर्गत चिल्ला थाने की पुलिस द्वारा भी चेकिंग की जा रही थी। तीन बदमाश मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उनको रुकने का इशारा किया गया, भागने लगे। पुलिस पार्टी ने पीछा किया, लगभग 1 किलोमीटर आगे जा करके चिल्ला पैलानी बॉर्डर पर ये मोटरसाइकिल बाएं मोड़ करके खेतों की तरफ झाड़ियों की तरफ भागने लगे, जहां पर पुलिस द्वारा इनको पकड़ने की कोशिश की। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया और जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, दो अन्य बदमाशों को दबोच करके पकड़ लिया गया है और घायल बदमाश को तत्काल चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है और सभी बदमाशों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के सेक्टर 11 इलाके में उस समय भीषण हादसा हो गया जब शराब के ठेके के पास बने हॉल में कई लोग मौजूद थे और शराब पी रहे थे। इसी बीच हॉल की छत पर अचानक गिर गई। अचानक छत गिरने से लगभग करीब 12 लोग मलबे में दब गए और चीख पुकार मचने लगी। मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि पुलिस द्वारा बताया गया है कि 7 लोग चोटिल हुए हैं, बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी लोगों को अस्पताल में रेफर किया गया है। खबर कन्नौज से है, जहां घर के बाहर सो रहे अधेड़ की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी है। धारदार हथियार से गर्दन काटकर हमलावर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। वहीं इस अधेड़ की हुई निर्मम हत्या से गाँव में दहशत का माहौल हो गया है। वो 2 बजे करीब कोई कुल्हाड़ी लेके मार गया और हम लोग छत पे लेटे थे, पापा ने आवाज़ दी कोई मार गया, लल्ला बेटा मार गया, और हम लोग जब नीचे उतरे तो वो भाग गया। मम्मी ने तो देख लिया है, अब पता नहीं पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया, पापा मम्मी से जो भी बोला हो पापा ने। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? रंजिश तो कुछ नहीं थी खिपलाल, अब पता नहीं कौन कैसा क्या होगा, कोई गाँव का होगा। क्या करते क्या थे पापा? पापा हमारे मजदूरी करते थे, वो चूड़ी बेचते, धंधा करते थे अपना गांव। कितने बजे रात में घटना हुई है? 2 बजे करीब हुई है। सो रहे थे, पता नहीं कौन आके और इनको काट के चला गया। काहे से काटा? कुल्हाड़ी से। फिर आप लोगों ने कैसे जानी? ये चिल्लाने थे। अच्छा, जब जानी ये लोग, इनके बच्चे लोग ऊपर सो रहे थे छत के ऊपर, तो जब उन्होंने जानी तब वो चिल्लाए, तो उन्हीं को जो भी बताया हो या ना, जब हम दूसरे मकान में रहते हैं तो जब तक वो लड़का भाग के हमारे पास गया बुलाने के लिए, फिर वहाँ से हम भागे। क्या तो कोई क्या पुरानी रंजिश थी? क्या पुरानी रंजिश होती हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं मालूम है। तो कुल्हाड़ी से फिर कहाँ लेके गए थे इनको रात में? रात में कहीं नहीं लेके गए, पुलिस वालों ने अपना बचाव किया, यहाँ उठा के डाल दिया आगे, कुछ भी नहीं इंसाफ मिल रहा है हम लोग को। खबर कानपुर देहात से, जहां एक नवविवाहिता और उसके भाइयों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही दहेज की डिमांड ना पूरी होने पर नवविवाहिता को घर से निकाल दिया गया। मारपीट में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी का उपचार चल रहा है। घटना को लेकर COCT ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताइए। हम इनको गए थे भेजने वहाँ, और उन्होंने कहा हमको रुपये दीजिए 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो तब अंदर घुसने देंगे, तो हमको पैसे तो भाई हमारे पास है नहीं, लाए नहीं, तो बस उन्होंने एकदम गाली के रोक के मारपीट शुरू कर दी। कितने लोग घायल हैं आपके घर से? 5-7 लोग हम गए थे, 4 लोग घायल। अच्छा, जब शादी आपने की थी क्या दाम दहेज नहीं दिया था? हमने 30-35 लाख रुपया कर दिया दिया। अब फिर से मांग कर रहे हैं? शादी कितने दिन हो? अब नवंबर में की, 20 नवंबर। थाना मंगलपुर के गांव अकारू में ससुराल पक्ष और माँ के पक्ष के लोगों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और वादिया पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। खबर प्रयागराज से, जहां पर परवेजाबाद गांव में स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर
जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध रूप से खनन का कार्य किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक अवैध खनन शिकायत करने पर पुलिस द्वारा इसके ऊपर CRPF के तहत 151 में चालान कार्रवाई कर दी गई है, जिससे परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने प्रेस वार्ता कर अपनी परेशानियों को साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई। और मेरी जमीन की जो नपाई की है वो अवैध की है, 98/3 को एकदम अवैध रूप से दो पार्ट में कर दिए हैं, जबकि ग्राम सभा एक तरफ होनी चाहिए और क्या नाम से इसका गांव इसका हम लोगों का एक तरफ होनी चाहिए, ग्राम सभा की एक तरफ होनी चाहिए, लेकिन वो ना करके इनको बीच में करके वो आप खनन विभाग SDM DM सब जो भी मिले हुए हम लोग सबसे शिकायत मिले तो कोई सुना नहीं गया, यहाँ तक मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और अवैध खनन को तुरंत रोका जाए। क्या आप लोग जी सर पर भेजाबाद में हमारी जमीन आज 70 साल से आजा पुरखा की हमारी जमीन है, उस पर हम लोग काबिज हैं, लेकिन ये सोरेपुष्ट भू माफिया रोहित वासले जबरदस्ती हमारी जमीन को जो कि बार बार छेड़छाड़ करके बताता है कि पट्टा है और सरकार वो आरआई को पैसा दे करके उल्टा सीधा नाप करा करके टोटल वो जो है कि बस हमारी लोग खनन कर रहा है, जबरदस्ती जो है कि खनन कर रहा है उस पर रोका जाए, किसी भी तरीके रोका जाए। आप लोगों ने एप्लीकेशन सर हमने DM साहब को दिया, SDM साहब को दिया और शिवर साहब को दिया और कई जगह हमने फैक्स कर दिया, कमिश्नरी मुख्यमंत्री कई जगह हमने पोर्टल पे फैक्स किया, जिसका कि हमें कोई न्याय नहीं मिला। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।